फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडिफिकेशन विद मनोज। तो आज के वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा पल्सर 150, जो बहुत एकदम सिंपल और बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन किया हुआ है और उसका लुक्स थोड़ा सा चेंज करके नए वाले पल्सर के टाइप से बना हुआ है। तो आज मैं हूँ नागपुर में, तो वो तो मेरा वर्किंग के हिसाब से तो मैं आते जाते रहता हूँ। और जिसने पल्सर ये जो मॉडिफाई किया है वो मैं आपसे मिला था, और ये घर पे ही किया हुआ है, एकदम सिंपल मॉडिफिकेशन है, सब घर पे ही किया है, अपने हाथ से किया है। जैसा मैं करते रहता वैसे ही उसको भी शौक है, तो उसने भी अपने हिसाब से किया है। तो मिला था आपको जिसने किया। तो ये है अमर, तो ये मेरा सब्सक्राइबर भी है, और मैं जब भी नागपुर आता तो इससे मिलना जुलना मेरा होते रहता है। हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमते हैं, हम लोग नई नई चीज़ें देखते रहते हैं। तो और ये इसने भी अपना एक YouTube चैनल चालू किया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी मैं आज आपको जो मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूँ ना, तो उसके रिलेटेड अगर आपको इन डेप्थ अगर आपको कुछ भी अगर देखना हो तो उसके चैनल पे विजिट करना। तो उसने एक एक अलग अलग से एक एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ इसकी पल्सर 150 आपको दिखाता हूँ, और फिर बाद में और आपको कुछ भी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर अगर उसका कुछ क्वेरी होगा तो आप उसके चैनल पे जाके उसको कमेंट कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने पल्सर। तो फ्रेंड्स, ये है पल्सर 150, ये ओल्ड मॉडल है, ये 2010 वाला मॉडल है। तो इसको जो है ना सब ऐसा मॉडिफाई किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो एकदम सिंपल मॉडिफिकेशन है और ये सब घर पे किया हुआ है। तो अपन पहले सामने से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें जो हेडलाइट डाली हुई है LED हेडलाइट है, ये RTD M02H जो मैंने अपनी होंडा शाइन में लगाई है, और यही सेम इसने है अपनी एविएटर में भी लगाई है। इसकी लाइट बहुत ज़बरदस्त है, इसका भी वीडियो आपको दिखा देंगे, छोटी सी झलक है आपको इसकी मिल जाएगी, बहुत अच्छा लाइट इसमें देती है। ये RTD M02H है, और एक चीज़ याद रखना है, कोई भी LED की कोई भी चीज़ अगर आपको लगाने तो DC कनेक्शन कंपलसरी है। तो ये RTD M02H हो गई। फिर यहाँ पे आ गया ये KTM इंडिकेटर, ये ओरिजिनल KTM के इंडिकेटर है, कॉपी वाले नहीं है। और इसमें यहाँ पे रेनबो फिल्म लगाई है, तो सेम टू सेम यही देख के एक्चुअली मैंने भी अपनी शाइन में मैंने किया था जो, लेकिन वो अपाची के इंडिकेटर में लगा था, उसको भी मैंने ऐसी रेनबो फिल्म लगाई थी। तो ये सामने से दिन में ना बहुत मस्त दिखती है ये, लेकिन अगर आप जब इसका इंडिकेटर चालू करेंगे ना तो भी अच्छा दिखता है, मतलब ब्राइटनेस पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ब्राइटनेस सेम ही रहता है, लेकिन सिर्फ इतना कि दिन में जो है आपको ये लाइट इसको आपको अच्छी दिखाई देगी। अब आती है फिर यहाँ पे, तो सबसे तो ये देखिए, ये यहाँ पे स्विच है ये फ्लिप की। फिर उसके बाद आती है यहाँ पे ये इग्निशन लाइट जो मैंने शाइन पे लगाई थी, मैंने ग्रीन कलर की लगाई थी, तो ये यहाँ पे येलो कलर की लगी हुई है, तो बहुत अच्छी दिखती है ये भी। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये चार्जर, ये एक्स माउंट चार्जर है, और इसको जो है यहाँ पे सॉकेट सिस्टम लगाया हुआ है, मतलब अगर आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं, आपको रखना हो तो रख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, ये जो बहुत काम आता है अगर आप राइड पे जा रहे हैं कहीं पे, अगर ट्रैफिक में राइड करते हो तो ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर बोलते हैं इसको। फिर आता है यहाँ पे ये प्रोजेक्टर फॉग लाइट, तो इसमें जो है ये DRL सिस्टम होता है यहाँ पे, और ये फॉग लाइट है, इसकी लाइट भी बहुत ज़बरदस्त लाइट है इसकी, तो आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। इसको ऑन करना, DRL ऑन करना, DRL, तो ये देखिए ये DRL है, ये एकदम ज़बरदस्त है, ये DRL इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और लाइट तो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है, तो उसका भी ब्राइटनेस आपको मैं दिखा दूंगा जब भी हेडलाइट के साथ, आपको उसका भी ब्राइटनेस आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे स्टिकरिंग मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो पल्सर ओल्ड मॉडल में पहले यहाँ पे ये सब स्टिकरिंग नहीं आते थे, ये न्यू मॉडल, कौन सा मॉडल का है, 2018 का है, अच्छा ये 2018 का ये स्टिकरिंग किया हुआ है, और ये 93 का यहाँ पे स्टिकर हमारा 93 मार्क का यहाँ पे स्टिकर है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, तो ये रेड कलर की लाइट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाई है यहाँ पे, तो ये ब्रेक पे भी काम करती है, और ये अपना हेडलाइट पे भी काम करता है, मतलब जब आप हेडलाइट या पायलट लाइट ऑन करेंगे तो ये चालू होगा, और ब्रेक मारेंगे तो ये डार्क होगा। छोड़ दे एक बार, वापस दबा, तो ये देखिए ये हेडलाइट और ब्रेक, एक ही LED हेडलाइट और ब्रेक दोनों पर काम करती है, तो ये एक किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे 16 पैटर्न वाला हजार्ड फ्लैशर लगा हुआ है, जिसको एक्स्ट्रा स्विच लगते हैं, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और इसने भी बनाया हुआ है, तो ये ऐसा फ्लैशिंग करेगा तो स्विच लगाना पड़ता है।
तो जो इसको स्विच लगाना पड़ता है, तो जितनी बार आप ऑन ऑफ करेंगे तो उतनी बार इसका पैटर्न चेंज होते जाएगा, और जितनी बार आप चाबी बंद चालू करेंगे उतनी बार ये पैटर्न उसका चेंज होते जाएगा। ये 16 पैटर्न होता है इसके अंदर, और उसको LED इंडिकेटर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, वैसे बल्ब पे भी काम कर लेता है वो। तो ये इंजन आप देख सकते हैं, ये 2010 वाला इंजन है, ये 2010 का पुराना मॉडल वाला ये इंजन है। ये हॉर्न बजा दो एक बार, तो ये 2010 का मॉडल है ये। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सारा मॉडिफिकेशन अभी आपने देख लिया, अभी आपको हेडलाइट और फॉग लाइट का आपको ब्राइटनेस आपको दिखाते हो, तो वो कहीं और जाना पड़ेगा, तो उसका ब्राइटनेस अभी आपको दिखा दो। और बाकी अगर कुछ भी क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना, और दोनों का इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगा, और इसका वीडियो का नाम है अमर के व्लॉग्स करके है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ चैनल पर जाना और इन डेप्थ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उससे अगर कुछ पूछना होगा तो उसके वीडियो पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको रिप्लाई दे देगा। तो चले अभी अपन ब्राइटनेस अभी टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसका LED हेडलाइट का ब्राइटनेस दिखाता हूँ, ये RTD M02H। तो ये है लो बीम और ये हाई बीम, ये लो बीम और ये हाई बीम, बहुत ज़बरदस्त हेडलाइट है ये M02H का ब्राइटनेस। और इसको एविएटर में भी अगर आप डाल के देखेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लाइट है, और शाइन में भी बहुत ज़बरदस्त लाइट आती है। करता चालू, ये देखिए ये RTD का हेडलाइट का ब्राइटनेस बहुत एक्चुअली दूर तक जाता है, सामने दीवार है लेकिन बहुत दूर तक जाता है, हैलोजन से तो बहुत दूर तक जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रोजेक्टर फॉग लाइट है उसकी लाइट दिखाता हूँ। तो पहले आपको उसका इंजन लाइट आपको दिखाता हूँ। तो ये इंजन लाइट देखिए दूर से बहुत ज़बरदस्त दिखती है, और यहाँ पे हेडलाइट के बाजू में पार्किंग में भी वाइट डाली हुई है, और ये ब्लू कलर की इंजन लाइट है। इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, तो इसको आप जैसे कनेक्शन करना कर सकते हैं। तो इसको जो है ना अपने बाइक के पार्किंग के साथ ही इसको कनेक्शन किया हुआ है। इसमें ये जो दो लाइनें हैं अंदर प्रोजेक्टर की, उसमें तीन वाले भी आते हैं लेकिन बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये दो का भी लाइट है ना बहुत इनाफ है ये। चालू कर दो, ये देखिए लाइट देखिए, तो इसकी जो लाइट है आप देख सकते हैं इसको RTD से भी बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल ये जो इसका जो फोकस है ना थोड़ा नीचे की तरफ रखा है, अगर इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे ना तो और दूर तक जाएगा ये, एक्चुअली बहुत दूर तक जा सकता है ये। लेकिन इसकी भी लाइट जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, अगर RTD नहीं लगा ये सिर्फ ये दो लगा लिया ना तो बहुत ज़बरदस्त है ये लाइट। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इसके भी चैनल को करना और मेरे भी चैनल को करना, दोनों को सपोर्ट करते रहना, और इसको तो थोड़ा ज़्यादा कर देना भाई, ठीक है? अभी नया नया चैनल है, थोड़ा अच्छा चलते जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नया नया वीडियोस अगर आपको चाहिए पल्सर पे, तो आप इसके कमेंट कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उस पर कुछ वीडियो बनाने के लिए। और राइड सेफ, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, और थोड़ा लाइट अच्छा रखना भाई अपनी गाड़ियों पे, ताकि सब जगह पे दिखे, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होता भाई वो दिखे। और फ्लाइट का फोकस थोड़ा नीचे करना, जैसे हम लोग ने पल्सर में या तो हमारे शाइन में रखा हुआ है कि लाइट का फोकस थोड़ा नीचे रखा है, तो सामने वाले के आँख पे आएगा तो वो अंधा हो जाएगा, आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।